يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك ارعي. हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मैंने अहराम बांधा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग जो है वो जा रहे हैं उमरे पर और इंशाल्लाह आप लोग भी हमारे साथ रहें और आगे जाके जो है वो उमरे पर आप लोगों को दिखाते हैं साथ साथ। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे, ऑब्वियसली इबादत का टाइम होता है, इबादत करनी होती है, लेकिन यह है कि जितना हो सकेगा दिखाएंगे, थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि उमरे के जो है वो क्या क्या उसमें जो है स्टेप्स हैं। इंशाल्लाह ताला जो है वो आप लोग हमारे साथ रहिए और अभी जल्दी से फटाफट जो है वो मैं दो रकत नफिल पढ़ लूँ अहराम के और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं उमरा करने के लिए इंशाल्लाह। ये देखें जनाब, ये है ट्रेन स्टेशन, यहाँ से जो है ना वो मक्का के लिए ट्रेन मिलती है और गालिबन मेरे ख्याल से मदीना के लिए भी यहीं से मिलती है। और अभी हम लोग जा रहे हैं ये सीधा गाड़ी में मक्का मुकर्रमा इंशाल्लाह। देखे जरा मक्का की गलियां और वो रहा सामने क्लॉक टावर और उसी के नीचे हरम शरीफ। ये है जनाब दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन जगह, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। जनाब पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा और आपको रौनक दिखाता हूँ, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन जगह। अब आप देखिएगा रौनक चेक करें, अभी हरम दिखा नहीं लेकिन उससे पहले की रौनक ही देख लें सारी। चलो भाई अंदर कंटिन्यू करते हैं फिर उमरा साथ साथ करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई ऐसे पीछे खाने का है, अभी जो है ना उमरा शुरू करते हैं इंशाल्लाह और बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। हजरा अस्वद है, यहाँ से उमरा स्टार्ट होता है, इधर लाइट लगी है कहीं मैं अभी दिखा नहीं सकता, बहुत रश है। हजरत अस्वद पे यहाँ से उमरा स्टार्ट करना होता है, यहाँ से 7 चक्कर करने होते हैं और फिर रुकने यमनी से जो है ना वो मगफरत की दुआ पढ़नी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी उसके पीछे रुकने यमनी था, ये वाला जो देख रहे हैं इस तरफ ये एक बेल लगी हुई है, इस पर कढ़ाई हुई है खाने का वजह के खिलाफ पर, ये रुकने यमनी है, यहाँ से मगफरत की दुआ पढ़नी होती है और इसके बाद वाले कोने पे जो है हजरत अस्वद है, वहाँ से उमरा शुरू करना होता है। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अब्रार या अज़ीज़ या ग़फ़ार या रब्बल आलमीन। ये ताला ने बताया था कि रुकने अमनी का पता करना हो, यहाँ पत्थर तो लगा हुआ है लेकिन ये दूर से नजर आ जाता है, यहाँ कढ़ाई हुई है। आज बच्चे साथ नहीं आए लेकिन ये है कि चले। और दूसरी तरफ ये हजरत अस्वद का कोना है, यहाँ पे अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ तरह लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये दूसरा ये हजरत अस्वद है जिस पे इतना रश है कि वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। सीन ऐसा ज़बरदस्त ये हुआ कि मैंने अल्लाह ताला दुआ करी कि मुझे हजरत अस्वद तक ले जाए, मैं गया हजरत अस्वद तक, जो है ना ऐसे आराम से बीच में इतने रश में से जो है वो निकलते हुए हजरत अस्वद तक पहुंच गया, हाथ लगा लिया हजरत अस्वद तक लेकिन चूम नहीं सका और ऐसा लगा कि हवा में से उड़ के जो है ना, जैसे किस्मत में नहीं होता ना कि एक दो बंदे आगे थे, बस एक ही बंदा आगे था समझ लिया, आपके हाथ रखा हुआ था मैंने हजरत अस्वद के अंदर पत्थर पर। ये जन्नत का पत्थर है आपको पता है,
लेकिन चूमने का शायद नसीब में नहीं था, तो ऐसे जो है हवा में से पीछे उतर के मैं बाहर आया हूँ। हवा में से जैसे आते हैं ना, हवा उड़ के आया हूँ पीछे। रेला ऐसा लगा होता है अंदर, मार धाड़ लगी हुई होती है, पता नहीं क्या है वजह वायरल, लेकिन बस वही है कि जन्नत का पत्थर है। खैर है नहीं, लेकिन पूरा लाल भगोल होकर निकलता है बंदा अंदर, वहाँ से इतनी जान लगाता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हाथ लगा लिया आज हजरे असद को, शुक्र है। سبحان الله یہ دیکھیں مقام ابراہیم، ماشاء اللہ ابراہیم کے پیر مبارک، ماشاء اللہ ان کے نشان، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی آپ لوگوں کو دکھایا میں نے اندر سے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان، سات چکر پورے ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، پیچھے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے دو رقم نفل پڑھے، اب جو ہے نا آب زمزم پینا ہوتا ہے، چلے آئیے آب زمزم پیتے ہیں۔ تمہاری بیگم پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ان کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ یا اللہ جی آب زمزم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دفعہ تو نام کرنا ہوتا ہے، سلام کرنا ہوتا ہے۔ یا کریم یا غفار رحیم، یا دیکھیں کیا ماحول ہے ماشاء اللہ، سب آب زمزم رکھا ہوا ہے الحمد للہ، صفائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر پہ ابھی اب صحیح کرنا چلتا ہوں انشاء اللہ۔ یہ عمرے کا نیکسٹ صحیح پتہ چلتے ہیں ان شاء اللہ، چلیے بھائی۔ یہ بھائی آدھا الحمد للہ، دیکھیں صفا کی، صفا مروا کی پہاڑی کا راستہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ ابھی تو یہ سب کور کر دیا، آپ سوچیں کہ یہ پہاڑ ہوتا تھا صفا مروا کا، یا اللہ کریم، اتنا خوبصورت سما ہے ابھی تو۔ لیکن بس میں عمرہ کرتے ہوئے یہی سوچتا ہوں کہ اس وقت کی کیا تکالیف ہوا کرتی ہوں گی کھلے آسمان کے نیچے۔ اور یہاں سے صفا مروہ کا راستہ شروع ہو گیا، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن پہلے ہم اس کی نیت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ سبعة أشواط لله تعالى فيسره لي وتقبله مني۔ وہ صفا کی پہاڑی دیکھیں، یہ صفا کی پہاڑی ہے، یہاں سے یوں جانا ہے ادھر، وہ آگے مروا کی طرف۔ چلیں جی کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ صفا کی پہاڑی، یہ حصہ، اور اسی طرح مروا کی ادھر ہے۔ اللہ یا کریم غفور رحیم، ابھی تو پورا اے سی میں ڈھک دیا ہے، سوچا یہ پہاڑ دھوپ میں کس طرح تپتا ہوگا، صفا مروا کا اللہ رحم فرما ہم سب کے مالک۔ یہ دیکھیں جناب صفا مروا پہ رش، ماشاء اللہ آج تو بڑا زبردست رش ہوگا، صفا سے مروا کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور وہاں سے مروا سے واپس آ رہے ہیں صفا کی طرف۔ ابھی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، چلے جی صفا سے مروا کی طرف شروع کرتے ہیں، اور پھر بیچ بیچ میں آپ کو دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ رش بہت ہے آج، گرین لائٹس اب آ رہی ہیں صفا مروا کے درمیان میں، اس میں دوڑ کے یہ پڑھنا ہے رب پھر پر ہم ان کا انتل عبد اکرم۔ چلو بھائی اب میں دوڑتا ہوں، پھر آپ کو دوسرے اینڈ ملوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب پھر ہم انکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الحمد للہ الحمد للہ۔
رب وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. चले भाई अब आगे कंटिन्यू. क्या आप लोगों को बताता हूँ, ये पीछे ग्रुप आ रहा है, सब एक साथ पढ़ते हैं ये लोग, बड़ा मज़ा आता है सुन के उनका. और वो अब आगे मरवा की पहाड़ी की ऊंचाई शुरू होने वाली है आगे. अब आगे जाके मैं आपको पहाड़ी दिखाता हूँ मरवा की, इंशाल्लाह. थोड़ा हिस्सा बचा है उसका, बाकी इन्होंने कवर कर दिया क्योंकि उसके ऊपर गोंद भी लगा दी है, ताकि वरना कुछ लोग पहाड़ी के तो सुनने में आया पहाड़ी के टुकड़े जो है ना तोड़ तोड़ के ले जा रहे थे, उन्होंने उसको पैक कर दिया. दिखाता हूँ मैं आपको, भी पक्की खबर नहीं है भाई, जो लोगों ने बोला है वो कह रहा हूँ वल्ला आलम, लेकिन अभी दिखाता हूँ आपको. ये देखिए, ये है पहाड़ी का ओरिजिनल हिस्सा, ये बचाया है, बाकी इन्होंने सब कवर कर दिया, उसको भी गोंद लगा दी है इन्होंने. क्या जी, मरवा से सफा की तरफ जाते हैं तो हाँ, बीच में कुरान भी रखे हुए, सफा मरवा के दरमियान बैठ के आप पढ़ सकते हैं. और ये आगे जो है आप जमदम भी रखा हुआ, और थक जाए तो आप पी लें. सुभान अल्लाह, क्या इंतज़ाम होता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. पंखे लगे हुए हैं, ठंडा हो रहा है, एसी चल रहा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह. मरवा से सफा की तरफ जाते हुए भी वही पहाड़ियाँ दोबारा आ गई, वो ग्रीन लाइट दोबारा आ गई, अब दौड़ना है और फिर सफा के बाद चल के जो है ना फिर दुआ मांगेंगे वहाँ पर खड़े. अल्हम्दुलिल्लाह, तवाफ़ हो गया, दो रकअत नफिल मुकाम इब्राहिम पे भी पढ़ लिए और सही भी हो गई. अब जा रहे हैं बाल कटवाने, यानी कि टेंट करवाने, क्योंकि हमारे पास तो बाल ही थोड़े से हैं, तो चलते हैं टेंट कराते हैं और उसके बाद खाना खाएंगे, फिर दोबारा हरम में आएंगे इंशाअल्लाह. लग रही है थोड़ी कड़ाके वाली भूख, तो चलते हैं जल्दी से कुछ ढूंढते हैं खाने को इंशाल्लाह, फिर वापस हरम में आके बैठेंगे. अभी खाना खाते हैं पहले. आ जाए, चलो भाई, हमने तो ये लिया है, क्या है हार्डीज, हार्डीज तो ले लिया हमने, कहा भाई ये ले लो, हम तो बी बर्गर खा लेंगे. बेगम के लिए जो है ना वो ये KFC बराबर में, अभी ऑर्डर करते हैं फटाफट. ये देखो भाई, अभी बाजरा डाला है इधर, सब लोग खड़ो के यहाँ पे दाना डालते हैं, दाना 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 सब कुछ खाओ. पार्टी हो रही, पार्टी उधर की पार्टी. अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उमरा भी हो गया और खाना भी खा लिया, अब हम वापस हरम जा रहे हैं और बैठेंगे, अब इबादत करेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद फजर पढ़ के निकलेंगे घर. तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा अगर अच्छी लगी, बेशक बिल्कुल लगेगी मुझे पता है 100%. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़.